दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि छुट्टी के लिए रविवार को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई प्रचलित कहानियां हैं। तो दोस्तों जानते हैं इन कहानियों के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजों के शासन काल में भारत में मजदूर वर्ग को हफ्ते के सातों दिन काम करना पड़ता था। उन्हें भोजन के लिए भी समय नहीं दिया जाता था, इस कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। करीब 1857 ईस्वी में पुणे में मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई थी। उनका तर्क था कि मजदूरों को हफ्ते में एक दिन आराम और व्यक्तिगत कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। छुट्टी के लिए आंदोलन को मेघाजी बम्बई तक ले गए। 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और पहली बार रविवार की छुट्टी मजदूरों को मिली। सन 1843 ईस्वी में पूरे भारत में रविवार की छुट्टी घोषित की गई। उस समय के गवर्नर जनरल ने यह छुट्टी सिर्फ स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के लिए घोषित की थी। उनका कहना था कि ऐसा करने से छात्र पढ़ाई पर और लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं, अर्थात रिफ्रेश हो सकते हैं, ताजगी के साथ काम कर सकते हैं। तीसरी जो कहानी है वो ये है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रविवार सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है। अंग्रेजी देशों में इसे वीकेंड नाम दिया गया। उनके अनुसार यह दिन आराम करने के लिए होता है, इसलिए यह अवकाश का दिन माना जाता है। चौथी जो कहानी है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था द्वारा रविवार को हफ्ते का आखिरी दिवस माना गया था। इस दिन को छुट्टी के रूप में मनाया जाने की बात कही गई थी, हालांकि इस बात को 1986 में मान्यता दी गई। तो दोस्तों ये चार ऐसी कहानियाँ थीं जो ये बताती है रविवार के दिन क्यों छुट्टी की जाती है, रविवार अवकाश का दिन क्यों रखा गया है।